केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज पूर्वी चंपारण के रक्सौल में बने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चौथे फूड लैब का उद्घाटन किया। इस लैब की खास बात यह है कि इससे सिर्फ 15 मिनट में फूड आइटम्स की गुणवत्ता की जांच हो सकती है, जबकि पहले इसमें 2 से 3 हफ्तों का समय लगता था। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मांडविया ने कहा कि इस लैब के बन जाने से बिहार के व्यापारियों को सीधा लाभ होगा। मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। मैं मानता हूं कि रक्सौल के लिए भी आज जिस परियोजना या तो जिस प्रयोगशाला का लोकार्पण हुआ है, एक फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी आने वाले दिनों में रक्सौल क्षेत्र के लोगों के जीवन के दुनिया के बदलाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने रक्सौल में अनुमंडलीय अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड का वितरण किया और लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद किया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता के कारण आज छोटे छोटे गांव में भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोला जा रहा है और जिससे गरीबों को इलाज कराने में सुविधा हो रही है। नॉर्मल पानी लाइए कोई। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। वहां 5-6 गांव के लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। गरीब लोग, सामान्य वर्ग के लोग अपना नजदीक की अस्पताल, अपना नजदीक की डिस्पेंसरी, ये हमारा सीएससी सेंटर होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। मोदी जी ने कहा कि मेरे देश के गरीब, मेरे देश के किसान, मेरे देश के सामान्य नागरिक, उसको सरकारी अस्पताल में जाके इलाज कराना हो तो ऐसे छोटे छोटे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसको हमें सशक्त करना है और उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाना है। इस अवसर पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को समय पर टीका लग पाया, इसका श्रेय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को जाता है। था जिसने 100% टीकाकरण किया था वो बनकर टॉप हुआ और अच्छी बात है हिंदुस्तान का। बिहार के बारे में मैं कह सकता हूँ क्योंकि बिहार का मंत्री हमारे सांसद महोदय कह रहे हैं ये पहला ब्लॉक और उस समय इसकी काफी चर्चा भी हुई थी। तो ये टीकाकरण के जो काम हुए, टीकाकरण के काम हमने यहाँ के आशीर्वाद से कहे और तीसरका डोज भी अब मुख्यमंत्री जी फ्री कर दे बनी तो तीसरको डोज रोगा लोग लगवा ले। तो जेकरा प्रेम प्यार से, जेकरा प्रयास से हमने सब केहू के जान बांचल, हमने सब केहू के कोरोना के हरावे में सफल बनी सन, वैसे महान शख्सियत चंपारण के धरती पर यदि आई बा तो बैठ के ताली बजैला से काम ना चली।